हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीट फ्लोर मोमोज। लेट्स सी हाउ टू मेक इट। सबसे पहले हमने काटी गाजर, कैरेट, उसके बाद काटी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ऑनियंस, कैबेज, इन सबको मोटे मोटे स्लाइसेस में काटना है। उसके बाद हम इसको चॉप करने के लिए चॉपर का यूज करेंगे। कैप्सिकम को भी, कैरेट को भी अच्छे से चॉप करेंगे और ऑनियंस को एंड कैबेज को उसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। अभी हम इन सभी वेजिटेबल्स को कुक करेंगे कुछ मसालों के साथ। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन, उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, फिर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च। अच्छे से भुनने के बाद उसमें डालेंगे हम प्याज, अनियन। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम उसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, कैरेट एंड कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। थोड़ा टाइम इनको भूनेंगे, उसके बाद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद डालेंगे हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, काला नमक, रेड चिली पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैक्सिमम हमें इसको 10 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद हमारा जो स्टफिंग मटेरियल है वो रेडी है। अभी हम मोमोज के लिए डो रेडी करेंगे। उसके लिए हमने नॉर्मल व्हीट फ्लोर लिया, नॉर्मल आटा लिया, गेहूं का आटा लिया, उसमें डाला पानी, उसको अच्छे से एक हार्ड डो लगाएंगे। और कुछ भी मैंने उसमें ऐड नहीं किया, नमक ना दही, कुछ भी नहीं ऐड। नॉर्मल जो जिससे हम रोटी बनाते हैं ये वही आटा है। पहले हम एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे और कोई भी आप ढक्कन ले सकते हो, कोई डिब्बा ले सकते हो, उसको रोटी के ऊपर दबाकर उसमें से छोटी छोटी सर्कल शेप में बनी हुई रोटियां निकाल लेंगे। पहले जो हमने मोमोज की स्टफिंग बनाई थी उसको अभी हम इस रोटी में डालेंगे और अच्छे से एक अच्छी सी शेप दे देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शेप देनी है, सर्कल देनी है। आजकल तो बहुत सारी शेप्स आने लगी हैं यार, ट्राई करके देखना, अलग अलग शेप्स बनाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर हमने लिया स्टीमर, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और सारे मोमोस इसमें रख देंगे। हमने इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक स्टीम करना है। आफ्टर 25 मिनट्स लेटर हमारे व्हीट फ्लोर मोमोस बनके रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने ली वाइट मेयोनीज एंड साथ में होममेड मोमोस चट, जो कि मैंने वो भी घर पर बनाई थी। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।